अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों आज बात करेंगे लाइट सुसेक्स ब्रीड के हवाले से। ये ब्रीड मैंने ली थी कुछ महीनों पहले और इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की अलग अलग तरीके से। मैंने देखा कि अंडों की प्रोडक्शन में ये बर्ड कैसा है, मीट गेन करने में ये कितना अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा वेट गेन करता है और उसकी वजह से इसके पास जो है अच्छा खासा मीट का इनके अंदर सामान निकलता है। अगर आप इसको कटवाते हैं तो इसके गोश्त में बहुत ज़्यादा शीरी हैं, मैंने खाकर देखा है। और आपके पास अगर ये सेल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रह जाते हैं और आप इसका गोश्त खाते हैं तो भी बहुत बेस्ट है। इसके साथ दोस्तों अंडों की इनकी प्रोडक्शन इतनी है कि आप आराम से इसका एक छोटा मोटा बिजनेस डेवलप करके, और अच्छी खासी मार्केट है इस वक्त भी, अगर इसकी मार्केट कहीं गिर गई है तो भी आपका बर्ड जो है अच्छी कीमत पर जाएगा बनिस्बत दूसरी हल्की फुल्की ब्रीड के। अच्छी कीमत इसकी मिल जाती है तो आप इस पर काम भी कर सकते हैं। इस करंट वक्त के लिहाज से ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हो गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अब ये ब्रीड रखी हुई है। पहले ये बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास ये ब्रीड मौजूद है। इसके साथ आपको ये करना पड़ेगा, जब इनके आप एग्स लेंगे और उसको आपने हैचरी के लिए रखना है तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये मुर्गी कुड़क नहीं होती। मतलब ये है कि ये आरा कर नहीं बैठती अंडों पर। इसके लिए आपको कोई भी एक देसी मुर्गी रखनी पड़ेगी या आपके पास कोई भी इंक्यूबेटर अगर है तो बेस्ट है। इसके लिए मैंने क्या किया कि एक तजर्बा किया, अपनी एक वाइट वाली मुर्गी, हीरा मुर्गी जो मेरे पास है, उस मुर्गी को इस मुर्गे के साथ मैंने क्रॉस कराया और इनकी एक निशानी मेरे पास अभी भी मौजूद है। दोस्तों ये वो निशानी है जो मेरे मुर्गे की असील मुर्गी के साथ मैंने करवाया। अब इससे ये एडवांटेज होगा, ये मुर्गी होती है तो ये फिर कुड़क हो जाएगी और इसके लिए फिर अलग से कोई देसी मुर्गी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन मुर्गियों के अंडे लेकर जो हमारे पास एक्चुअल लाइट सुसेक्स हैं ओरिजिनल, इनके अंडे लेकर और मैं बाद में इस मुर्गी के नीचे रख सकता हूँ, इससे मैं कुड़क पर बिठा कर और इससे मैं हैचरी का काम ले सकता हूँ। तो ये मैंने एक तजर्बा किया था और ये तकरीबन कुछ कामयाब भी हुआ। इसके अंदर तीन क्वालिटीज़ आ गई हैं, इसके बाप की क्वालिटी भी है जो कि लाइट सुसेक्स है और इसकी माँ जो कि असील है और हीरा है सफ़ेद कलर के अंदर है। इसके अलावा वो मादी मेरे जो बच्चे बना रही है वो पीले कलर के बच्चे बन रहे हैं उसके, तकरीबन पीले कलर के, और अच्छी हाइट में बच्चे बन रहे हैं तो जिसकी वजह से ये इसने पीला कलर भी लिया है। पीले बहुत ज़्यादा शेड आ रहा है इसके अंदर और असील का काफ़ी ज़्यादा लुक आ रहा है। इसके अलावा ब्लैकिश शेडिज भी आ रहे हैं और वाइट इसके ऊपर लाइट सुसेक्स का कंप्लीट कलर भी आ रहा है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके जो पैर हैं, पंजा जो है वो बिल्कुल लाइट सुसेक्स जैसा बना है। तो ये एक तजर्बा मैंने छोटा सा किया था, अगर मैं चाहूँ तो किसी और मुर्गी के साथ भी ये तजर्बा मैं कर सकता हूँ, बट ये है कि उनका कलर जो है ना बिल्कुल एक मल्टीपल कलर की तरह वो बनेगा और वो कहीं ब्रीडिंग मेरी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन ये एक मैंने तजर्बा किया था वाइट के साथ कि बच्चे देखते हैं कैसे आते हैं, तो बच्चा ऐसा आया जो आपके सामने है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लड लाइन है ये। मैं चाहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा बल्कि आपको कि आप लोग अभी तो ऑफ सीज़न है, इस वक्त के लिहाज से इनको अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है और इस वक्त के लिहाज से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट यह है कि दो महीने बाद आप इस ब्रीड को भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आप घर पर रखते हैं तो बहुत एक खूबसूरत ब्रीड है, मेरे पास रखा मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सिर्फ खूबसूरती के हवाले से इस ब्रीड को लिया था और काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं अब तो मेरे पास। इसके अलावा नीचे भी हैं, नीचे वाले केज के अंदर, तो इनको मैं अभी चेंजिंग करने वाला हूँ, मैं इनको मल्टीपल केजेस के अंदर रखने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास तकरीबन यहाँ पर तीन मेल यहाँ ऊपर भी हैं, एक मेल नीचे भी है, तो तकरीबन चार मेल हैं और बाकी सारी फीमेल्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि थ्री इन वन या फोर इन वन का एक एक सेट बनाकर और हम इसको आगे केजेस के अंदर जो है वो शिफ्ट करेंगे। सो बहुत कुछ सोचा हुआ है इनके लिए और इस केज के हवाले से मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा अपनी बात को। ये ज़रा सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए कि इसके साथ हम लोग क्या चेंजिंग करने वाले हैं। तो फ्यूचर में आप लोग इस केज के हवाले से काफ़ी सारी चेंजिंग हमारे पास देखने वाले हैं और पूरे सेटअप के अंदर ही कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा और आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बिल्कुल डीपली मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके कद वगैरह और मेरे पास जो सब ब्रीड मौजूद है माशाल्लाह से क्या शानदार ब्रीड बन रही है। इनके कद आप देखिए, क्या बात है इनकी। मेरे पास इस वक्त दो ब्रीडर तैयार हो चुके हैं, ये सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है ये वाला ब्रीडर, जो कि अब मसला ये हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपस में फाइट करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो गए, तो बड़ा वाला जो है वो तो डेफिनेटली इसको भागा भागा के इसका बेचारे का बुरा हाल कर देता है। सो इसलिए इनको अलग अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बड़े वाले रोस्टर्स के स्पर्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और डेफिनेटली मुझे ये डर है कि ये कहीं
कोई हमारे दूसरे ब्रीडर्स का नुकसान ना कर दे। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल यंग है और अलग अलग जब ये केजेस में आ जाएंगे और 4-in-1, 3-in-1 का जब हम इसका सेट बना लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उससे अच्छे रिजल्ट्स भी मुतवक्का होंगे, क्योंकि अभी तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये अंडे दें और इनकी लेंग की ज़रूरत है, इसलिए मैं इनको बहुत ही सादा फीड पर मैंने इनको रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाजरा दे रहा हूँ और कभी कभी हल्की फुल्की फीड दे देता हूँ ताकि इनका डेकोरम मेंटेन रहे और इन ये आदि रहें, ऐसा ना हो कि जब हम सीज़न ऑन हो और ये फीड खाना फिर ये कम कर दें या छोड़ दें तो उस टाइम पर बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर ये फीड नहीं उठाते तो फिर डायरेक्टली ये बाजरे पर बहुत अच्छी आपको प्रोडक्शन नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा फीड का सहारा लेना पड़ता है। और ये इस वक्त आप देखिए, ये माशाल्लाह से ये सारी आपके आगे घूम रही हैं चिकन्स हैं, ये फीमेल्स हैं, ये एक मेल है जो कि अभी ब्रीडर तैयार हो रहा है ये वाला, और इसी के हवाले से मैंने आपको बताया था इसके आगे जो बड़ा ब्रीडर खड़ा हुआ है तो वो मेरा मेन ब्रीडर है और इसी के बच्चे हैं ये जो आपके आगे सारे खड़े हुए हैं। इसका माशाल्लाह कद देखिए, काठी देखिए, इसकी आप लेसिंग देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर लेसिंग है माशाल्लाह से, और इसके बेटे की बिल्कुल यही पोजिशन है। तो दोस्तों सोचा कि आपको लाइफ सक्सेस की ब्रीड के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए अलग से, और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो भी इनकी क्वालिटी और डिसक्वालिटीज़ हैं वो आपके सामने डिस्क्लोज करूँ और आपको इसके बारे में सारी मालूमात दूँ। अगर कुछ रह गया हो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह टाइमली आप लोगों को रिप्लाई देंगे और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और आपके माइंड में कोई भी क्यूरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमेशा की तरह दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।